नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आप में सुलह ने तेज हुआ गतिरोध। आम आदमी पार्टी के टकराव वाले दो धड़ों में सामंजस्य वार्ता विफल होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक से पहले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देने पर अड़े रहे। सूत्रों ने कहा कि यादव और भूषण ने यह साफ कर दिया है कि उनके 21 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देने का कोई वेद आधार नहीं है और दूसरे धड़े को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करना चाहिए। सामंजस्य बैठाने का पार्टी का लोकपाल एडमिरल रामदास का भी प्रयास नाकाम रहा और दोनों धड़े अपने अपने रुख पर अड़िग है। कांग्रेस का कहना है कि मुफ्ती सरकार अधिकतम सर्कस न्यूनतम शासन। कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार पर छोटे से कार्यकाल में एक के बाद एक विवाद खड़े करने के लिए निशाना साधा और कहा कि यह अधिकतम सर्कस और न्यूनतम शासन है। कांग्रेस विधायक दल के नेता नवांग रिगजिन जोरा ने कहा कि मुफ्ती सरकार मैक्सिमम सर्कस मिनिमम गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि सड़क पर आम आदमी पूछ रहा है कि श्रीनगर, जम्मू, मुंबई, दिल्ली, नागपुर में 2 महीने की बातचीत के बाद हमें क्या मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की जोड़ी में जरा भी लय नहीं है। सेमीफाइनल के रंग में रंगा गूगल का डूडल। सर्च इंजन गूगल ने गुरुवार को सिडनी में हो रहे भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल के जुनून में अपना डूडल बदल दिया है। गूगल ने गेंद फेंकते खिलाड़ी की 6 मुद्राएं बनाई हैं, जिसमें पहले 3 ऑस्ट्रेलियाई झंडे में और शेष 3 भारतीय तिरंगे में रंगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस मैच की लोकप्रियता पहले ही चरम पर पहुंच चुकी है। सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम की 70% टिकटें भारतीय टीम के समर्थकों ने ही बुक की है।